हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके प्रिय चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां दें वो आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी मुझे मेडिकल न्यूज हेल्थ रिलेटेड मिलेगी, नई रिसर्च मिलेगी, प्राप्त होगी या जानकारी होगी, मैं आपको उसकी जानकारी तुरंत दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको आज सेव के फायदे बताऊंगा, क्योंकि इस मौसम में सेव हर जगह सभी को उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, यानी एक सेव यदि हम रोज खाते हैं तो डॉक्टर को यह दूर रखता है। फ्रेंड्स, अब यह जानिए कि सेब यानी एप्पल में ऐसा क्या खास है जो इसे एक जादुई फल यानी मिरेकल फ्रूट कहा जाता है। दोस्तों, एप्पल में भरपूर मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट डिजीज को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं और जानना चाहते हैं। दोस्तों, 2006 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, एक जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसका नाम था एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी एंड मेडिसिन। उन्होंने ये पाया था कि एक कंपाउंड, एक केमिकल जिसे हम बोलते हैं क्यूरस्टीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, भरपूर मात्रा में एप्पल में पाया जाता है। दोस्तों, इसके खाने से क्यूरस्टीन हमारे दिमाग, मतलब दिमाग तक पहुँचता है एक सेव के द्वारा, और ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स वो सेल हैं जो कि जिनसे हमारा दिमाग बनता है। न्यूरॉन्स के सेलुलर डेथ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्लेमेशन के कारण जिन न्यूरॉन्स की डेथ होती है, उन न्यूरॉन्स की डेथ होने से बच जाती है। इसलिए ये ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है सेव खाना। फ्रेंड्स, साथ ही एक चीज और, उसी जर्नल में भी लिखा हुआ था कि अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें कि याददाश्त चली जाती है, उसको भी रोकने में सेव बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसका रीजन यह है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे कि एस्टिलकोलिन बोलते हैं, ये एक एसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे एस्टिलकोलिन बोलते हैं, जो कि दिमाग की याददाश्त और मेमोरी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सेव खाने से दिमाग में ज़्यादा मात्रा में बनता है, इससे अल्जाइमर्स डिजीज कंट्रोल रहती है और मेमोरी बूस्ट होती है। फ्रेंड्स, अब मैं आगे आपको सेव में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, विटामिन सी सेव में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि बॉडी की रेसिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन B6, ये सब सेव में पाए जाते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत आवश्यक हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस ने कहा है कि सेव में जो डाइटरी फाइबर पाया जाता है, ये बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और आपकी हार्ट के लिए वरदान साबित होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सेव में कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, सेव में बीटा कैरोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ल्यूटीन भी पाया जाता है। इसलिए दोस्तों, सेव को अपने रोज के भोजन में शामिल करिए। अब मैं आपको कुछ रिस्क और प्रिकॉशंस के बारे में बताता हूँ सेव के। फ्रेंड्स, वैसे तो कोई भी इसका खास साइड इफेक्ट नहीं है, बट एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, जो सेव के बीज होते हैं, जो सेव के सीड हैं, एप्पल के सीड हैं, उसमें साइनाइड होता है, जो कि एक बहुत पावरफुल पॉइजन है, बहुत ज़बरदस्त जहर है। फ्रेंड्स, इसलिए सेव के सीड बहुत ज़्यादा मात्रा में खा ले जाएं तो ये फैटल होगा, जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए सेव के बीज किसी भी तरह से नहीं खाने हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रिकॉशन का ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि सेव एसिडिक होता है, इसलिए ये दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। कब? यदि आप सेव खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं तो।
एक डेंटल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर का नाम है डेविड ब्रेटलेट उनके, और ये किंग्स डेंटल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि सेव खान जो होता है वो जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जो आप एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनसे 4 गुना ज़्यादा दांत को नुकसान पहुंचा सकता है यदि आप सेव खाने के बाद दांत नहीं साफ करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेव खाइए, जम के खाइए, इंजॉय करिए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स लीजिए, पर सेव खाने के बाद 2 बार कुल्ला कर लीजिए, ये पर्याप्त है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आपको सेव खाने हैं छिलके के साथ खाइए, क्योंकि जो उसका एप्पल का पील यानी छिलका होता है उसमें ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाए जाते हैं। एक सवाल जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि सेव के छिलके में पेस्टिसाइड हो सकते हैं, दोस्तों लेबोरेटरीज में प्रूफ हो चुका है कि एक मिसपरसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। और यदि कोई पेस्टिसाइड्स की मात्रा होती है तो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए अच्छा है कि आप सेव को जम अच्छे से झगड़ कर धो लें और छिलके के साथ खाइए। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने और फ्रेंड्स की अवश्य भेजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इस सर्दी के मौसमी फल सेव का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।